नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल गंगा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सीख पाएंगे कि एनपीएस अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर किस तरह से चेंज करते हैं और ईमेल आईडी किस तरह से चेंज करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पहली बार एनपीएस को लॉगिन कैसे करते हैं और अपना टीपिन चेंज कैसे करते हैं। तो यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप गूगल को ओपन करें और सर्च बार में टाइप करें www.cra-nsdl.com और इंटर दबाएं। इंटर दबाने के बाद यहां पर आप देख रहे हैं इस तरह का एक पेज खुलेगा। यहाँ पे आप अपना यूजर आईडी और यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप करके सबमिट बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह का एक पेज खुलेगा। तब आप यहाँ अपडेट डिटेल पर माउस कर्सर ले जाने पर आपको दो ऑप्शंस दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं करंट कॉन्टैक्ट डिटेल लिखा है। यहाँ तीन चीज आपको चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ नीचे एडिट पर आप क्लिक करें। अब यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। आप पुराना मोबाइल को यहाँ पे काट के नया मोबाइल नंबर डालकर और ईमेल आईडी डालकर सबमिट पे क्लिक कर दें और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल एनपीएस अकाउंट में चेंज कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट में लिखें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे का अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।